सिंध सदियों से आज तक मुख्तलिफ मज़ाहिब के बावजूद तहजीब, तमदन और सकाफत के लिहाज से एक है और एक ही रहेगा। यही वादी सिंध की खूबसूरती है। मैं हूँ अफराज कादिर, काकास ट्रैवल में खुशामदीद। आज हमारा सफ़र वादी सिंध की 4,500 साल पुरानी तहजीब की तरफ है। जी हाँ दोस्तों, मोहनजोदड़ो में खुशामदीद। अंदर दाखिल होने के लिए टिकट लेनी पड़ती है और हमने भी ये रस्म पूरी की। बुद्ध मत के दौर में मोहन के नाम पर टीले पर एक शहर कायम हुआ जो बाद में मोहनजोदड़ो के नाम से मशहूर हुआ और पूरी दुनिया में फैल गया। सबसे बड़ी इंसानी आबादी, गुंजान आबाद शहर, कुशादा सड़कें और तंग गलियां शहर की मंसूबा बंदी और इंसानी तरक्की की उम्दा मिसाल हैं। पानी की निकासी का निजाम इंतहाई बेमिसाल है। नालियों का जाल बिछाया गया था। शहर की मंसूबा बंदी इंसानी तरक्की की एक उम्दा मिसाल है। ग्रेट बात देखकर अंदाजा हुआ कि वो लोग हिफ्सान सेहत का खास ख्याल रखते थे। तो वेलकम जी मोहनजोदड़ो में मैं इंजीनियर तो गाइज ये वो जगह है जो 20 रुपए के नोट पर नजर आती है, बुद्ध मत की इबादत गाह स्टूपा। एक्सप्लोजर है और लोग इतने आसान पहले भी सिविलाइज थे और डिसिप्लिन में रहते थे। हम अभी जाके बात करते हैं। फने तामीर, मंसूबा बंदी और रहन सहन को देखें तो वो लोग आज के जदीद दौर के लोगों की निस्बत शऊरी तौर पर ज्यादा जिंदा दिल थे। फिर वो कुआं मीठे पानी के लिए इस तरह के 700 कुएं थे। हजारों साल कबल जो पानी का निजाम बनाया गया था आज तक भी बड़े शहरों में इसकी मिसाल नहीं मिलती। हमाम की तरह के गुसलखाने मौजूद थे जिनके फर्श पर तिरछी ईंटें नसब थीं ताकि पानी जमा न हो सके। ये कुएं कितने हैं? ये गेट नहीं है, ये वो हैं आपके सेप्टिक टैंक्स हैं। हाँ, ये हर घर के अंदर दिया हुआ है। उस जमाने का जो मोहनजोदड़ो एक जदीद टाउन प्लानिंग का नमूना है। आज भी इन गलियों में चलें तो एक तरतीब और प्लानिंग का एहसास होता है। ये कौन था? ये हर जगह है। ये बादशाह था।
अच्छा और ये आउटडोर की डांसिंग गर्ल है। अच्छा ये ओरिजिनल दिल्ली म्यूजियम में इंडिया में। अच्छा ये तो वैसे एक सेल के लिए रखी है इंडियन कस्टमर पे। अच्छा इस इस इसने बड़ी ज्वेलरी पहनी हुई है ना? ये ज्वेलरी है। हाँ इस तरफ और ये चार नहीं नहीं इसके माथे पे एक है और इसने एक शाल टाइप ली हुई है। हाँ तो जो अजरक चादर है ना। हाँ हाँ उसका पैटर्न यहाँ से निकला। वो यहाँ से निकला है। ठीक है वो पीछे क्या चीज़ है वो क्या भला है? ये तो जो फेल से मिली है। ये नहीं पड़ी हुई है। पड़ी हुई तो उसको बना बड़ा बना के तो इनमें एक सींग वाला जानवर भी है। माजी की दास्तान का चिराग मुस्तकबिल में भी रोशन रहे यही हमारा आज का पैगाम है। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।